गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 मैथ में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझने जा रहे हैं। इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय रिटर्न द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो फ्रैक्शन दे रखी है उसमें आपको इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। तो बच्चों, न्यूमरेटर क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है उसको, जो अपॉन के ऊपर होता है उसको हम न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा? 2, और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? 5। इस तरीके से आपको इसका लिखना है, क्या होगा? 6 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सुहानी हैज़ 10 चॉकलेट्स, शी गिव्स हाफ ऑफ दैम टू सारिका। हाउ मैनी चॉकलेट्स डज शी गिव टू सारिका, यानी कि सुहानी के पास 10 चॉकलेट्स हैं, उसमें से उसने आधी चॉकलेट्स जो हैं वो सारिका को दे दी। तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, यानी कि सारिका के पास कितनी चॉकलेट्स चली गई? तो जो सुहानी के पास है कितनी चॉकलेट्स हैं? 10 चॉकलेट्स। उसने हाफ, हाफ का मतलब होता है 1/2, उसमें से सारिका को दे दी, तो सारिका के पास कितनी बची? 1/2, यानी कि 10 का हम 1/2 निकालेंगे, तो 10 का 1/2 कितना जाएगा बच्चों? 5, यानी कि सारिका के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स, यानी कि एक दिन में 8 घंटे की फ्रैक्शन बतानी है आपको। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो फ्रैक्शन क्या होगी एक दिन की, 8 आवर्स की? 8/24, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आता है अपॉन के ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है हमारा टोटल नंबर। तो हमारे टोटल आवर्स कितने हैं एक डे में? 24, इसलिए वो डिनोमिनेटर बनेंगे हमारे, और जो न्यूमरेटर बनेगा वो होगा 8, यानी कि इसका आंसर आ गया 8/24, और तब हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए वीक इज 3 डेज, देखिए बच्चों एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो फ्रैक्शन ऑफ ए वीक इज 3 डेज, तो क्या होगी वो? 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज द सेट ऑफ वोवल्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट ऑफ वोवल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 वोवल्स हो गए, और टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो फ्रैक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज द सेट ऑफ वोवल्स क्या हो गए? 5/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी 1/6 मेक 1 वॉल, यानी कि 1 वॉल का मतलब क्या होता है? वॉल नंबर, यानी कि वो क्या हो गया हमारा? 1। तो कितने टाइम्स चाहिए हमें, यानी कि डिवाइड करके देखेंगे हम। फिर डिवाइड के लिए हमें क्या करना होगा? रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल किया हमने 1/6 का, तो क्या आ गया हमारा? 6। और 1 से मल्टीप्लाई की 6 को, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6। यानी कि आपको 1/6 6 टाइम्स चाहिए, जो आपका ये कंप्लीट वॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए बैग कंटेन 20 बॉल्स, ऑफ विच 3 बॉल्स आर ग्रीन, 10 बॉल्स आर रेड, एंड द रिमेनिंग आर ब्लू। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल रिप्रेजेंट रेड, ब्लू एंड ग्रीन सेपरेटली, यानी कि अलग अलग बताना है आपको कि रेड बॉल की, ब्लू बॉल की और ग्रीन बॉल की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होगी। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 20, ग्रीन 3, रेड 10, और रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग कितनी बची? फिर 7। तो 7 बॉल्स हमारी कितनी हो गई? ब्लू। तो अब हमें फ्रैक्शन बतानी है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल कितनी थी हमारी? 3। टोटल कितनी थी? 20। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 3/20। फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी थी हमारी? 10। टोटल कितनी थी? 20। तो 10/20 इज मीन्स 1/2। फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बॉल, यानी कि टोटल बॉल कितनी थी हमारे पास? ब्लू 7, और टोटल कितनी थी? 20। तो 7/20। थैंक यू।